क्या आप कभी लायन, हाइना, भालू या पायथन जैसे जानवरों को पालना चाहेंगे? क्या आप 16 फुट लंबे सांप या फिर 1000 किलो के हिप्पो को पालतू बनाने का सोच सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ऐसे जानवरों को जंगल में देखकर ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कुछ ऐसे खतरनाक जानवरों से जिन्हें पालने के लिए सोचना भी खतरे से खाली नहीं है, फिर भी लोग उन्हें पालते हैं। मिलिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक पालतू जानवरों से। नंबर 10, चिंपैंजी। जंगली जानवरों को पालतू बनाकर पालना कितना खतरनाक हो सकता है, उसका एग्जाम्पल ये है। क्या आपने इस फेमस इंसिडेंट ट्रैविस द चिम्प के बारे में सुना है, जिसने अपनी मालिक की दोस्त पर अचानक हमला कर दिया और उसकी नाक, आंखें, हाथ और चेहरे को चबा डाला। सैंड्रा हेरल्ड नाम की एक महिला ने एक चिंपैंजी को तब पालना शुरू किया जब वो सिर्फ 3 दिन का था। इसका नाम सैंड्रा ने ट्रैविस रखा। ये दोनों हर जगह साथ ही जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रैविस बड़ा होने लगा, शायद उसको इंसानों की दुनिया से परेशानी होने लगी। ये कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें कर देता था जो सैंड्रा को समझ ही नहीं आती थी। एक दिन अचानक ट्रैविस ने सैंड्रा की एक दोस्त चार्ला नैश के ऊपर हमला कर दिया और उसको बुरी तरह घायल कर दिया। इस घटना के बाद ट्रैविस ने पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसको समय रहते लगातार 4 गोली मारकर खत्म कर दिया गया। नंबर 9, भालू। बहुत से लोग भालू का नाम सुनते ही अपनी सांस रोक लेते हैं, लेकिन रशिया की एक फैमिली ने एक जॉइंट बेयर का स्वागत बाहें फैला कर किया। स्टेपन नाम का ये भालू पैंटेलिंको फैमिली के साथ पिछले 25 सालों से रह रहा है। इन्होंने इस भालू को तब अडॉप्ट किया था जब ये सिर्फ 3 महीने का था। अब ये भालू इस फैमिली के साथ इतना घुल मिल चुका है कि ये टेबल पर बैठकर खाना खाता है। इतना ही नहीं, ये भालू काउच पर बैठकर अपने फेवरेट शोज भी देखता है। इस भालू को अपने बच्चे की तरह मानने वाले स्वेतलाना और यूरी बताते हैं कि उनको मॉस्काओ के जंगलों में एक छोटा सा घायल भालू का बच्चा मिला था, जिसका दोनों ने मिलकर इलाज किया और फिर अपने घर में ही पाल लिया। आपको क्या लगता है, क्या जंगली जानवरों को सिर्फ जंगल में या फिर जू में ही रहना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमल वीडियोस। नंबर 8, मगरमच्छ। बड़ी पूंछ, कांटेदार बॉडी और बड़े बड़े दांतों वाले मगरमच्छ से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन इंडोनेशिया की एक फैमिली ऐसा नहीं सोचती। एर्विन और उनकी वाइफ कोचेक नाम के मगरमच्छ को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की तरह मानते हैं, जबकि इसकी लंबाई 6 फीट और वजन 200 किलो है। इस कपल ने मगरमच्छ को तब पाला था जब ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर का था। हर दिन 2 किलो मछली खाकर वो छोटा मगरमच्छ अब इतना बड़ा हो गया है कि इसको उठाने के लिए भी 4 से 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी। एर्विन परिवार के प्यार और घर में एक ही जगह पर रहने की वजह से कोजेक काफी मोटा होता जा रहा था, जिससे उसकी जान को खतरा था। तो एर्विन फैमिली ने कोजेक को जानवरों की देखभाल करने वाली एक संस्था को दे दिया ताकि ये उसका अच्छे से ध्यान रख सके। फिलहाल इस संस्था ने कोजेक को स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। नंबर 7, लायन कब्स। लोग घर में बंदर पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, मगर शेर के बच्चों को कौन पालता है? लेकिन गाजा में एक शख्स ने 2 शेर के बच्चों को पाला था। जब एयर स्ट्राइक में जू तबाह हो गया था, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी साद अल जमाल की नज़र शेर के 2 छोटे बच्चों पर पड़ी और वो उन बच्चों को अपने साथ ले आए। इन दोनों बच्चों का नाम मोना और एलेक्स रखा गया और ये जल्दी ही परिवार का हिस्सा बन गए। साद अल जमाल के 6 ग्रैंडचिल्ड्रन शेर के दोनों बच्चों के साथ खेला करते थे और शेर के ये बच्चे भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन देखते ही देखते ये छोटे और क्यूट शेर के बच्चे तेजी से बड़े होने लगे और इनको देखकर आसपास के लोगों को तो क्या, घर के लोगों को ही डर लगने लगा। साथ ही इनकी खुराक भी लगातार बढ़ रही थी, जो ये परिवार उठा नहीं पा रहा था। इसीलिए एनिमल वेलफेयर वालों को ये बच्चे दे दिए गए और अब वे वही रहते हैं। नंबर 6, हाइना। काफी लोग नहीं जानते होंगे कि हाइना साउथ अफ्रीका के सबसे खूंखार जानवरों में से एक है, और अगर ये झुंड में हमला कर दे तो शेर को भी मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। जिस जंगली जानवर से शेर तक खौफ खा जाए, उस जानवर को लोग घर में पालतू जानवर की तरह पालने लगे हैं। नाइजीरिया के लोग इस आदमखोर जानवर को घर में इसीलिए पालते हैं ताकि उससे पैसा कमा सके। जैसे लोग हिंदुस्तान में बंदर को पालकर सड़कों पर उनका खेल दिखाकर पैसा कमाते हैं, उसी तरह नाइजीरिया के लोग हाइना को सड़कों पर ले जाकर उनसे पैसा कमाते हैं। लेकिन कई मौकों पर ये जंगली जानवर अपना असली रंग दिखा ही देता है।
है और लोगों को घायल कर देता है। इतना ही नहीं, कई बार तो ये अपने मालिक पर ही हमला कर देते हैं। लोगों के शौक भी कैसे कैसे होते हैं ना, या कहे कि लोग पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। नंबर 5, बफलो। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर कैसे कोई घर में एक बफलो को पाल सकता है। अगर घर में बफलो रहेगा तो घर के लोग कहाँ रहेंगे, तबेले में। लेकिन दुनिया में अजीब लोगों की कमी नहीं है जिनके अजीब शौक है। कनाडा में रहने वाले जिम सॉटनर अपने साथ शहर में एक फ्लफी फ्रेंड बफलो के साथ घूमते दिखाई देते हैं, जिसका नाम उन्होंने बेली जूनियर रखा है। जिम अपने इस 8 फीट लंबे और करीब 800 किलो के दोस्त को गाड़ी में बिठाकर बियर बार तक ले जाते हैं। हालांकि इनका ये दोस्त बियर पीता नहीं है। जिम और उनकी पत्नी लिंडा ने इस बफलो को तब पालना शुरू किया था जब ये एक बच्चा हुआ करता था और ये कपल इसको बॉटल फीड करते थे। जिम और लिंडा को उनका ये पेट इतना प्यारा है कि ये चाहते हैं कि उसको रोड ट्रिप्स पर भी साथ लेकर जाया करे। नंबर 4, हिप्पो। जेसिका अपना दिन का समय पानी में बिताती है और शाम होने पर अपने घर में जाकर सो जाती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि जेसिका नाम की लड़की कौन है जो पूरा दिन पानी में रहती है, तो हम आपको बता दे कि जेसिका कोई लड़की नहीं बल्कि एक हिप्पो है। जी हाँ, हिप्पो अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। ये हर साल लगभग 500 लोगों की जान ले लेता है। उसको भी लोग पालतू बना चुके हैं। जेसिका को उसके मालिक अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। उसका शांत और दोस्ती करने वाला स्वभाव उसको बाकी सभी हिप्पो से अलग करता है, जिसकी वजह से जेसिका को देखने और मिलने के लिए कई लोग आते हैं। करीब 1000 किलो वजन वाली जेसिका भी लोगों से मिलकर काफी खुश होती है और टूरिस्ट के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट ले आती है। नंबर 3, वाटर मॉनिटर। ये एक तरह की छिपकली होती है जिसको पालने के लिए एनिमल एक्सपर्ट्स तक मना करते हैं। एनिमल एक्सपर्ट्स की माने तो वाटर मॉनिटर को इंसानों के बीच नहीं पाला जा सकता क्योंकि ये काफी गुस्सैल होती है, साथ ही जहरीली भी। इनका एक बाइट इंसानों के शरीर पर सूजन के साथ साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग ला सकता है। लेकिन एक महिला ने इस छिपकली को भी पाल लिया। इसका नाम उन्होंने रेक्स रखा है। रेक्स की लंबाई करीब 7 फीट है और उसका वजन करीब 22 किलो है। रेक्स बाकी दूसरे वाटर मॉनिटर की तरह शिकार करने के लिए मेहनत नहीं करती और ज्यादा चलती भी नहीं है, इसीलिए उसको ऐसा खाना दिया जाता है जिसमें ज्यादा फैट ना हो। इसीलिए रेक्स की मालकिन उसको खाने में खरगोश और गिलहरिया देती है। नंबर 2, पूमा। एक घर में एक बिल्ली के साथ रहना अलग बात है, लेकिन एक ही घर में पूमा के साथ रहना एक अलग ही कहानी है। एक रशियन कपल मारिया और अलेक्जेंडर ने एक प्यूमा को जू से गोद लिया था जब वो सिर्फ 8 महीने का था। इस छोटे से फरी कप को देखते ही दोनों ने उसको अपने साथ घर ले जाने का मन बना लिया और जैसे तैसे जू कीपर को भी पूमा को अपने साथ ले जाने के लिए मना लिया। मारिया और अलेक्जेंडर ने उस जंगली जानवर का नाम मैसी रखा है जो अब काफी बड़ा हो चुका है। मैसी के लिए मारिया और अलेक्जेंडर ने एक कमरा तैयार किया है जिसमें एक गुफा और लकड़ी की बनी हुई दीवारें हैं। इतना ही नहीं, इस जानवर का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसमें अभी तक 1.4 मिलियन फॉलोअर्स है। ये कपल अपने पेट को खाने के लिए रॉ मीट देता है, उसको घुमाने ले जाता है और उसको हफ्ते में 4 बार ट्रेनिंग सेशन पर भी ले जाता है। नंबर 1, पायथन। छोटे बच्चों को अभी तक आपने कुत्ते या बिल्ली जैसे छोटे पालतू जानवरों के साथ खेलते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा बच्चा जिसका पालतू पेट एक पायथन है। जी हाँ, कैम्बोडिया में रहने वाला सैम बात नाम का ये बच्चा अपने इस अनोखे पेट के साथ खाता है, सोता है, खेलता है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर बैठकर उसकी सवारी भी करता है। जब सैम बात सिर्फ 3 महीने का था तो उसकी माँ को घर के पास एक सांप का बच्चा मिला। उन्होंने उस सांप के बच्चे को घर में ही पाल लिया, लेकिन देखते ही देखते ये सांप तेजी से बढ़ने लगा और उसकी लंबाई करीब 16 फीट हो गई और वजन करीब 100 किलो हो गया। सैम बात के माता पिता ने कई बार पैथन को घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये सांप फिर भी वापस आ जाता था। जरूरी नहीं कि अगर जंगली जानवर को घर में पाला जाए तो वो अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा कई बार हुआ है कि सालों इंसानों के बीच रहकर भी पालतू जानवर इंसानों पर हमला कर देते हैं। इसीलिए अच्छा यही है कि ऐसे खतरनाक जानवरों को घर में ना रखा जाए। अगर किसी को जंगली जानवरों से ज्यादा ही प्यार है तो आप उनको जू में देख सकते हैं। घर में खतरनाक जानवरों को पालकर खुद की और दूसरों की जान को मुसीबत में क्यों डालना। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।